तो गाइस फाइनली हमने दर्शन कर लिया है पवित्र गुफा का, उसके बाद हमने बाबा जी से चंदन भी लगवा लिया है। जय बोले की, और चंदन लगा के बहुत अच्छा लगा। बाकी इधर मैं करने जा रहा दिखाऊं, हर हर महादेव सभी का स्वागत करता हूँ अमरनाथ जी ने। और पवित्र गुफा का दर्शन हो चुका है मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। वो देखो मतलब लिखो दर्शन काफ़ी अच्छे से हुआ। यहाँ पे लगभग लाखों श्रद्धालु आते हैं और आ ही रहे हैं, क्या ही बताएं। चलिए हम चलते हैं अभी अपने घर की तरफ। और हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा हो गया, अमरनाथ जी यात्रा धाम हमारी कंप्लीट है। जय भोले, आ जाओ भोले, थोड़ा सा चलते चलो चलो चलो। और हम चलेंगे अभी भोले बालताल की तरफ से, निकलेंगे। आए थे पहलगांव की तरफ से, लेकिन अभी हम बालताल की तरफ से घर को जाएंगे। कहाँ पे? हम मोबाइल बैग सब जमा कर लेंगे। सुबह जी है नदी, और वो जो जा रहा रास्ता वो है पहलगांव की तरफ, और इधर वाला है बालताल की तरफ। तो हम आ चुके थे पहलगांव की तरफ से, अब जाएंगे बालताल की तरफ से। हेलो, चलो बोले चलो। हाँ बालटल यही रूट जाती है ना। मैं अभी आपको बात बता दूं, दर्शन करके तो मैं चल रहा हूँ, ब्लॉग आप लोग कंटिन्यू देख भी रहे हैं। तो मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जो भी रास्ते में कठिनाई आती है या कौन सा रूट कैसे गए हैं, तो वो रहा पवित्र गुफा। सामने रेड कलर में जो दिख रहा है आपका पूरे पवित्र गुफा है, उसके बाद ये कैंप है। अगर आप लेट आते हो दर्शन करने तो यहाँ पर रुक सकते हैं, आप रुक सकते हैं यहाँ पर टेंट लेकर के। अगर आप समय से पहले ही दर्शन कर लेते हो तो आप बालताल की तरफ से निकल सकते हो। बालताल अगर पहलगांव से आए और बालताल से की तरफ से निकलते हो तो मतलब कम चढ़ाई है, सॉरी कम जो उतरने का है। और बता दूँगा सुबह जब हम ना बालताल की तरफ से नीचे उतरेंगे, और उधर से आ चुके हैं। हम अभी बाबा अमरनाथ की गुफा से निकल करके और बालताल की तरफ से हम आए थे, और आते ही 6 किलोमीटर बाद एक आगरा वाले का बड़ा ही अच्छा लंगर चल रहा था। यहाँ पे हमने चाय लिया और चावल और एक सब्जी खाई हमने, काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि चलते चलते हालत ख़राब हो गई थी, चाय ठंड इतनी है कि मुंह से भाप भी निकल रहा है, और चाय इस टाइम मिल जाए तो क्या ही नज़ारा है। और इस तरह से लोग निकल रहे भले। सो गाइस अभी हम बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि बालताल बेस कैंप, वहाँ पे आज नाइट में रुकेंगे। बाकी जो सड़क की हालत है ना दिखा देता हूँ, बहुत बारिश हुई है, और मुझे लगता है कि जो बेस कैंप है जहाँ से यात्रा छोड़ी नहीं गई होगी वहाँ से भी यात्रा कैंसिल कर दी होगी, क्योंकि हमें जाने वाला कोई भी नहीं टकर रहा है अमरनाथ गुफा की तरफ। हम सिर्फ बेस कैंप की तरफ बालताल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर थे इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। अभी दिखाता हूँ रास्ते की हालत, मेरे पैर से यह आइडिया लगा सकते हो कि मतलब क्या ही हालत होगी। और ये देख लो घोड़े भी चलते हैं और बारिश भी हो रही है साथ में, ओ घोड़े तो बहुत ही, ये देखो इतने कीचड़ में, ओ भाई क्या ही बताऊँ आपको। और एक घोड़ा तो चप्पल में ही जा रहा है। बोले कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं नहीं चप्पल में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही जी? चलो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी सबकी यात्रा मंगलमय हो। और सभी ने दर्शन करके मतलब वापस ही लौट रहे हैं सब लगभग। बाकी बारिश होने की वजह से ना पहाड़ी एरिया, इसलिए पानी देखो ऊपर से आ रहा है, और ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई है, क्योंकि इतनी बारिश के कारण स्लाइडिंग भी हो रही थी। बाल बाल बचे, हम एक पत्थर बिल्कुल हमारे आगे ही गिरा स्लाइडिंग एरिया में, भैया भैया बिल्कुल बिल्कुल। और ये देख लो
लगभग लगभग मैं बेस कैंप की तरफ जा रहा हूँ, जिधर पहुँच गए लेकिन जय भोले की। और इसके बाद साथ देखते हैं बेस कैंप कहाँ पर है हमारा। ये है, यहाँ से शेषनाग 17 किलोमीटर, 350 किलोमीटर जम्मू, श्रीनगर है 101 किलोमीटर, जम्मू 350 के, हमें जम्मू जाना है। बेस कैंप 3 किलोमीटर है, कारगिल 111, एलईटी 332 या कुछ होगा इसका मुझे पता नहीं। बाकी हमें जो जाना है जम्मू 350, लेकिन अभी हमें जाना है बेस कैंप 3 किलोमीटर और। यात्रा कार्ड, यात्रा कार्ड। सो गाइस देखो फाइनली यात्रा कार्ड वापस कर रहे हैं। लो जी यात्रा कार्ड आपका वापस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साथ दिया इसने। तो भैया जो हमारा इसमें स्कैनिंग है वो बदल जाएगा ना अब तो, जैसे कोई अपने नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगा उसका आ जाएगा। नहीं यार फोटो। और ये है कौन सा जगह है? ये है बालटाल। अच्छा ये बालटाल है। ये है बालटाल, अब यहाँ से ऑटो में लेंगे। ले लो। हाँ हाँ ले रहा हूँ। तो गाइस बालटाल में लंगर करना जा रहा कुछ इस तरह से है। शिव सेवा के लिए ना भैया लेने आ चुके हैं रेंट, और लगभग 11 बजे कह रहे थे और 11 बजे ही आ गए। इतना हम लंगर वगैरह खा के आ गए हैं और भैया ने लगभग हमें अपना समझ के डिस्काउंट भी दिया, लेकिन हम बताएंगे इस वीडियो में। बाकी जो भी है भैया की सेवा बहुत अच्छी है। और ये टेंट है, हमने टिकट वगैरह ले लिया सारी, और बालटाल से कैसे हम जम्मू जाने वाले हैं और जो भी रास्ते में एक्टिविटी होगी आप लोगों को दिखाऊंगा। और हमने ले लिया था रात को टेंट, और टेंट काफ़ी छोटा सेपरेट सा था, हम दोनों थे, मैं और एक और भोला मिस्टर विनय थे। हर हर महादेव। और ये टेंट ले चुका हूँ, ये खोल दिया मैंने टेंट को, ये देखो यहाँ से ऐसे बंद होता है और ऐसे खुल जाता है। चलिए दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की नहीं बहुत बहुत हो रही है। तो ये देखो इस टेंट में थे, देखो हम इस छोटे वाले टेंट में। बाकी चलते हैं बस स्टैंड, कंटिन्यू बने रहिए। अभी बालटाल में बारिश चल रही है, लेकिन हमारा बस का टाइम है 3:30, तो जाना भी पड़ेगा, इसलिए मैं और भोला दोनों ही जा रहे हैं बस पकड़ने। और काफ़ी यात्री जा रहे हैं बस, देखो सभी जा रहे हैं। बड़े बड़े मेन गेट को बंद कर दिया गया है J&K पुलिस की तरफ से, और छोटे गेट से जा रहे हैं सभी। और ये देखो हम पहुंचेंगे बस स्टैंड, हवाई जहाज स्टेशन। और बस कम पाए स्टेशन, हवाई जहाज स्टेशन में देख लो कितने सारे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जहाज सब खड़े हैं यहाँ पर। घोड़ा भी है, बड़े बड़े घोड़े हैं, दो चार बस भी दिख रही है इनमें से मुझे, सिर्फ दो चार ज़्यादा नहीं। और बाकी सारे के सारे हवाई जहाज है, ऑटो भी है, दो तीन साइकिलें भी खड़ी दिख रही मुझे इसमें तो। और इन सबके बीच में ना हमें हमारा अपना बस ढूंढना है। बस का नंबर है CN 7715, CN 7715। देखते हैं अभी हमें कहाँ मिलता है। सुबह जी ये बस थी CN 7715, जिस जो हमें टिकट पे लिख के दिया था, जहाँ से हमने टिकट कटवाई थी। और इसी बस में हमें बैठना है, बाकी ऑलरेडी लोग आ चुके हैं थोड़े। और ये है हमारी बस, हर हर महादेव। तो कल से ही आगे बैठ के लगता है इसमें। और अंदर रखिए, ये रहा हमारा, तो आपके साथ सेटिंग होगी। ये है 44,
29 थोड़ा सा चाय पी लेते हैं।